हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर बच्चे, ये लास्ट हमने ख़त्म किया था टू पोर्ट में। टू पोर्ट और वन पोर्ट मैंने आपको बताया था इसके अंदर। तो बच्चे टू पोर्ट जो हमने ख़त्म किया था, इस टू पोर्ट में मैंने कुछ पैरामीटर्स बताए थे। ये पैरामीटर आज ख़त्म हो जाएंगे तो कल आपके क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा आप, इसमें वाई पैरामीटर है जो आपका, समझ लीजिए अच्छे से। वाई पैरामीटर जो है इसको हम एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं, जिसकी यूनिट जो होती है वो सीमेंस है, ठीक है। इसे हमने एक ब्लैक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और इसमें हम हमेशा टू पोर्ट नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं, यानी फोर टर्मिनल्स को, ठीक है। अब जो वाई पैरामीटर दिखाया है, जैसे वाई वन वन, वाई वन टू, वाई वन वन, वाई वन टू, वाई टू वन, वाई टू टू, ठीक है, वी वन, ठीक है, वी टू। यहाँ से करंट जा रही है फर्स्ट पोर्ट से आई वन, और इधर से जा रही है आपकी आई टू, ठीक है बच्चे। तो ये आपका वाई पैरामीटर कहलाता है, इसको हम एडमिटेंस पैरामीटर भी कहते हैं। बच्चों इसको आप अच्छे से इसलिए समझ लें क्योंकि ये आपके आगे तक काम आने वाला है। आप अगर ये सोच रहे हो कि हमें अभी ये पढ़ना है, ये हमने पढ़ा हुआ है, आपको निकालना नहीं आता, और निकालना आता है तो कोई बात नहीं, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पीछे वाला कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद जरा हम नेक्स्ट चलते हैं। वाई पैरामीटर में ही जो अगर आप टर्मिनल करंट को, अगर हम इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। इसमें वहां पे हमने V1 निकाला था जेड पैरामीटर में, मैं दिखा भी दूं आपको। इसके अंदर आपने निकाला था जेड पैरामीटर, ठीक है, जेड वन वन, जेड वन टू, वाई जेड टू वन, जेड टू टू। अब यहाँ पे वाई वन वन आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो वहाँ आपने वी बराबर आई जेड किया था, यहाँ पे आपको आई बराबर वी अपॉन जेड करना पड़ेगा। तो यानी आपको यहाँ पे वी वन वी टू की जगह क्या करना पड़ेगा, आई वन आई टू, और यहाँ पे आ जाएगा वी वन वी टू, और यहाँ पे आ जाएगा वाई वन वन, वाई वन टू, वाई टू वन, वाई टू टू, ठीक है बच्चे। देखिए ठीक है, तो इसकी इक्वेशन लिखिए आप, अगर आई वन बराबर वाई वन वन, वाई वन टू, आई वन बराबर, देख रहे हो यहाँ से आई वन वन, आप सिंपल ऐसे लिखिए पहले, जैसे मैंने आपको पहले से बताती आ रही हूँ, पहले इसकी मैट्रिक्स इक्वेशन लिखिए, आई वन आई टू इक्वल टू वाई वन वन, वाई वन टू, वाई टू वन, वाई टू टू, वी वन वी टू, हो गया काम खत्म। अब चलिए इसके अंदर, अब इसको मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए। मैट्रिक्स को सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व करने शुरू कीजिए। आई वन ऐसे चलिए, आई वन ऐसे चलते हुए ऐसे, ठीक है, आई वन बराबर वाई वन वन, वी वन, वाई वन टू, वी टू। इसी तरह हम नेक्स्ट वाले में चलेंगे, आई टू बराबर, देख भी रहे होंगे आप इसमें, आई टू बराबर वाई वन टू, सॉरी आई टू बराबर वाई टू वन, वी वन प्लस वाई टू टू, वी टू, यही इक्वेशन बन रही है। देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, आई वन बराबर वाई वन वन, वी वन प्लस वाई वन टू, वी टू, आई टू बराबर वाई टू वन, वी वन प्लस वाई टू टू, वी टू, ये आपकी इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे इसको हम, द वाई पैरामीटर दैट वी वॉन्ट टू बी डिटरमाइन, वहाँ हमने क्या किया था, आई वन और आई टू को ज़ीरो किया था, एक बार हमने आउटपुट को शॉर्ट किया था, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इनपुट पोर्ट ओपन, आउटपुट पोर्ट ओपन, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट वहाँ पे ओपन किया था वोल्टेज में, तो ओपन कर लिया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो वी वन वी टू जब किया था वहाँ पे, तो हमने आई वन और आई टू को क्या कर दिया, ओपन कर दिया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वोल्टेज को हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट में वी वन और वी टू दोनों आपके शॉर्ट हो जाएंगे, इनपुट पोर्ट शॉर्ट हो जाएगा और आउटपुट पोर्ट शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, इसके अंदर इसकी इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में आप क्या करोगे,
एक बार तो इसमें क्या करोगे, वी वन को ज़ीरो करोगे, ठीक है। जैसे वी वन को ज़ीरो करोगे तो क्या आ जाएगा, आई वन बराबर वाई वन टू वी टू, ठीक है। इसी तरह आई टू में यहाँ पे भी वी वन को ज़ीरो करोगे, एक बार तो वी वन को ज़ीरो करो, इसको और इसको ज़ीरो कर दिया, तो यहाँ से किसकी, आई वन आई टू की, ठीक है। एक बार और एक बार इसी में किसको, वी टू को ज़ीरो करो। देखो जब आप इसमें, जब आप इसमें पहली वाली वैल्यू में, पहली इक्वेशन में वी वन को ज़ीरो करोगे तो आएगा आई वन बराबर वाई वन टू वी टू। तो पहली बात तो पहले वाई वन टू की वैल्यू आ गई, और नीचे से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी क्या कर रहे हो, अगर वी वन को ज़ीरो कर रहे हो तो यहाँ से क्या जाएगी, वी वन को ऊपर वाली इक्वेशन में ज़ीरो करा तो क्या आया, वाई वन टू की वैल्यू आ गई, और नीचे वाले में ज़ीरो किया तो वाई टू टू की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वी वन को ज़ीरो किया, सॉरी वी टू को ज़ीरो किया, इस वाली को, तो वी टू को यहाँ ज़ीरो कर रहे हो, यहाँ ज़ीरो कर रहे हो, तो क्या बचेगा, आई वन अपॉन वी वन, तो वाई वन वन की और वाई टू वन की, तो चारों पैरामीटर्स की वैल्यू आपकी आ जा रही है, हाँ या ना, आ जा रही है। तो बस यही करना था, इस तरह से क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन देख लेंगे, ये देखिए याद करना है, जेड पैरामीटर में आपको आई वन आई टू को शॉर्ट करना है, सॉरी ओपन करना है, और वी वन वी टू में जेड वाई पैरामीटर में एडमिटेंस में आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है, और ये चार इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगा। इसका मतलब यही है कि ये कब आई वाई वन वन की वैल्यू, जब आपने वी टू को ज़ीरो की, ठीक है। अब वाई पैरामीटर के लिए क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनाना है आपको, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या कहा, v1 v2 को शॉर्ट करना है, v1 v2 को आपको शॉर्ट करना है, तो इसे v1 v2 को आप क्या करोगे, शॉर्ट कर दोगे। ये देखिएगा, ये देखो अभी बताओ, देखिएगा बच्चे, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि v1, पहले मैंने कहा कि v1 और v2 को v1 जीरो और वी टू ज़ीरो, वी टू ज़ीरो, तो वी टू के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा, ये इसको आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है, शॉर्ट कर दिया, तो यानी इसमें कोई भी करंट आपकी फ़्लो नहीं हो रही है। जब करंट फ्लो नहीं हो रही है तो इसके पैरेलल में भी यही वोल्टेज होगी, यानी यहाँ पे नहीं कर रही है तो यहाँ पे भी नहीं कर रही होगी, इस वाले में भी नहीं कर रही होगी, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पूरा एक वायर की तरह ऐसे काम कर, मतलब कौन सा सर्किट आ जाएगा, 20 ओम वाला एक, आपका 50 ओम वाला, और ये पूरा एक ऐसे, समझ आ रही मेरी बात, तो इसको आगे जब देखते हैं हम, ये देखिए ऐसे रिप्लेस हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। जैसे इसको शॉर्ट करोगे क्या करोगे, इक्वेशन लगाओगे, वी वन बराबर 20 आई ए, एक इक्वेशन, ठीक है, फिर यहाँ से आई ए की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, ये तो निकाल लोगे, ये तो आपको मैंने सिखा रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। वाई वन वन ये मैंने निकालना सिखा रखा है, मैं सिर्फ एक आपको रिविजन करवा रही हूँ, उसका दोबारा करना होगा तो इसे मैं लाइव क्लास में समझाऊंगी फर्स्ट ऑफ मे के आसपास, ठीक है। ये आपकी ये इक्वेशन निकल जाएगी, यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको पता है, करके देख लो घर में, वो कुछ काम नहीं कर रहे हो, इस तरह जब ये वाला करें, एक बार ये वाला किया, अब क्या करेंगे, अब आप इस वाले को करोगे, अब देखिएगा, अब इसका काम तो खत्म हो गया, अब आप इसमें इसको शॉर्ट करोगे, ठीक है, जब शॉर्ट करोगे तो कैसी आ जाएगी वैल्यू, फिर ये वाला खत्म हो जाएगा, फिर ये वाला बच जाएगा, इधर वाला देखिएगा सर, ठीक है, जब आप वी वन को ज़ीरो करोगे तो फिर 50 और 150 बन जाएगा, फिर आप फिर से वही क्वेश्चन दोबारा निकालोगे, ठीक है। ये तो करना आता है ना, कि जब जब नोड यहाँ से आई टू जा रहा है तो आई टू दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो यहाँ पे जो करंट आ रही है, मतलब भाई यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी करंट आ रही है, तो यहाँ पे हमने कोई आई एक्स करंट मान ली इस वाले टर्मिनल पर, ठीक है। तो V2 बराबर वहाँ नहीं ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे V2 फर्स्ट वाले में V2 आपका ज़ीरो हो गया था, तो ये वाले में कुछ करंट का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है, कि वो शॉर्ट हुआ पड़ा था,
तो वी टू बराबर 15 है, आई एक्स बराबर, क्योंकि वैसे भी यहाँ तो देखो ये ओपन है ना, तो ओपन में आपकी करंट को, ओपन में आपकी जो करंट है यहाँ से ये वी टू है ना, ये ओपन है, वहाँ पे क्या था शॉर्ट था, ठीक है। ये मैं एक्चुअली लाइव क्लास में अगर नहीं समझ आ रहा होगा तब समझाऊंगी, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाह रही हूँ, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो ये दो आपकी इस तरीके से आपकी इक्वेशंस, आपकी वी टू बराबर 15 ix एक इक्वेशन जाएगी, ठीक है। फिर आप ix की वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ से वैल्यू निकाल चुके होंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करोगे थर्ड को फोर्थ के अंदर, तो आपकी y22 की ये जो वैल्यू है ये आपकी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका h पैरामीटर में आपका क्या है इसके अंदर, h पैरामीटर हम इसको बोलते हैं, हाइब्रिड पैरामीटर भी हम इसको बोलते हैं, और इसकी जो इसमें जो चीज़ें देखिए, जैसे इसमें मैंने लिखा है हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर, वन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ ओम, ठीक है। ओम्स के टर्म्स में इसको हम क्या करते हैं, इसकी जो यूनिट है वो ओम है, और इसको वन इन मोह, ठीक है। वन इज मेजर इन टर्म्स ऑफ ओम, वन इन ओम, ओम और मोह, एंड अदर टू आर डायमेंशनलेस, यानी चार टर्म्स हैं इसमें भी एच पैरामीटर में, जिनमें से एक टर्म ओम में कैलकुलेट होती है, एक मोह में, और बाकी दो डायमेंशनलेस होती हैं, कोई यूनिट नहीं होती। सिंस दिस पैरामीटर हैज़ मिक्स डायमेंशन, इसीलिए इसमें मिक्स डायमेंशन है आपकी, जैसे आप उसमें देख रहे थे उसमें एडमिटेंस में, और यानी आप ये कह सकते हो इम्पिडेंस वाई और जेड पैरामीटर, इम्पिडेंस और एडमिटेंस, इन दो का कॉम्बिनेशन आपका हाइब्रिड पैरामीटर है, यानी कुछ टर्म्स आपकी ओम में होगी, कुछ मोह में होगी, ठीक है। जैसे जेड उसकी जेड पैरामीटर की ओम में होती हैं, एडमिटेंस की मो में होती है, और उन दोनों कॉम्बिनेशन ही है, तो दो की यूनिट होगी और दो डायमेंशन लेंस होगी, ठीक है। इसको हम टी पैरामीटर भी क्या कैसे कह सकते हैं, ठीक है, टी पैरामीटर। तो आप देखिए v1 v2 i1, एक में i1 देखिए करंट जा रही है, अब देखिएगा यहाँ पे i1 जा रहा है, यहाँ पे i1 बाहर निकल रहा है, i2 बाकी दो में ऐसा नहीं था, i2 ठीक है आ रहा है जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो इस हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, टी पैरामीटर, ठीक है बच्चे। तो अब आप इसमें अगर इक्वेशन लिखे हैं इसकी, तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि मिक्स पैरामीटर है, तो जैसे v1 v2 किस में हो चुका, v1 v2 को लेके आपने क्वेश्चन किस में निकाली थी, जेड में, i1 i2 निकाली वाई में, तो एच पैरामीटर में ना तो v1 v2 हो सकता है ना i1 i2 हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक v1 और एक i2, तो ये आपका कुछ ऐसे होगा, ये देखिए v1 i2 h11 h12 s21 s22, फिर ऊपर 1 होता है नीचे 2 होता है ना, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। तो 1 2, तो v1 पहले आएगा, फिर i2, फिर i1 और v2, ये आपकी क्या होगी इक्वेशन होगी। इसमें भी आप वही करेंगे, v2 को ज़ीरो करेंगे, इसमें i1 को भी ज़ीरो करोगे, v1 को भी ज़ीरो करोगे, यहाँ पे i1 को ज़ीरो करोगे, v2 को ज़ीरो करोगे, क्योंकि इधर वाले को ज़ीरो करते हैं ना, इधर वाले को नहीं, i1 और v2 को आप उसमें ज़ीरो करोगे, तो आपकी ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा H11 क्या है, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस, V/I क्या होता है, जेड होता है, तो ये आपका शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस है। H12 क्या है, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन है, क्योंकि इसमें V1 V2 है ना, V/I क्या होता है, R होता है रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, इम्पीडेंस, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला, तो हो गया आपका इम्पीडेंस शॉर्ट सर्किट, क्योंकि V2 को ज़ीरो किया है ना, V2 को आपने आउटपुट को ज़ीरो किया है, तो वो शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। इसी तरह नीचे वाला ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट रिवर्स, ये आ जाएगा आपका S21 शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, क्योंकि I2/I1, अगर I1 I2 होता, देखो ये तो I2 करंट का रेशो,
करंट गेन, वोल्टेज का रेशो वोल्टेज गेन, समझ आ गई मेरी बात। तो ये तो हो गया वोल्टेज गेन, बता देती हूँ, ये तो हो गया, देखो इसमें वोल्टेज 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 आ रहा है, इसमें करंट करंट आ रहा है, तो ये तो हो गया वोल्टेज गेन, ये हो गया करंट गेन। इसमें आपने क्या किया, आउटपुट सर्किट को क्या किया है, ये आपका अगर आपसे पूछा जाए कि S21 क्या है, S21 आपका फॉरवर्ड वोल्टेज गेन है, क्योंकि जब आउटपुट अपॉन इनपुट होता है तो क्या होता है, वो फॉरवर्ड होता है, और अगर इनपुट अपॉन आउटपुट होता है तो वो क्या होता है, रिवर्स होता है। तो इसमें आपका I2 अपॉन I1 आ रहा है, तो एक फॉरवर्ड करंट गेन हो गया, और ये ओपन सर्किट है क्योंकि V2 जीरो किया आपने, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपका H12, ये आपका वोल्टेज गेन है, लेकिन ये रिवर्स वोल्टेज गेन है, क्योंकि इनपुट अपॉन आउटपुट आ रहा है, क्योंकि 1/2 आ रहा है, 1 आपका फर्स्ट पोर्ट है। फिर आपका H11 आ रहा है, ये आपका शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस है V/I, और ये क्या है S22, ओपन सर्किट आउटपुट इम्पीडेंस I2/V2, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा हो गया ना, तो ये इम्पीडेंस है तो ये एडमिटेंस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमने इसके अंदर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बनाना बताया हुआ है ये वाला, तो अगर आप इसको देखो, आप नोट कर लो इक्वेशन पहले, V1 = मुझे तो याद रहेगी, आपको याद नहीं रहेगी, तो V1 = H11 H12 मैट्रिक्स सॉल्व करोगे ना, ये वाली V1 = H11 I1 + H12 V2, ठीक है, ये तो एक इक्वेशन हो गई आपकी। अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं, I2 = S21 I1 + S22 V2, ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, डन। देखिए V1 H11, अभी जो इक्वेशन अभी आपने निकाली, V1 = तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, V1 आना चाहिए, मैंने V1 लिख दिया, फिर आपका I1 के साथ H11 आना चाहिए, तो I1 H11, ठीक है। वैसे भी वो इम्पीडेंस देखिए, ऊपर वाला H11 जो है वो किसको रिप्रेजेंट करना है, मैंने लिखा है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस को करना है। इम्पीडेंस क्या है, यानी इम्पीडेंस यानी इस पैरामीटर को आप रेजिस्टेंस से दिखाएंगे, मैंने रेजिस्टेंस दिखाया, ठीक है। उसके बाद आप आए H12 V2, ठीक है, H12 V2 क्या है, H12 क्या है आपका, H12 है आपका रिवर्स वोल्टेज गेन, तो आपने यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा दिया, खत्म हो गई बात, हो गया, ये तो हो गया आपका एक इक्वेशन पूरी। अब आप चलेंगे सेकंड पोर्ट पे, तो I2 = तो ऑब्वियस है यहाँ पे I2 = जब आपका आएगा, तो I2 = किसके, S21 क्या है आपका, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन लिखा भी है मैंने, तो यहाँ पे आप करंट गेन दिखाओगे, यानी आप वहाँ करंट सोर्स दिखाओगे, तो आपने वहाँ पे करंट सोर्स को दिखा दिया, ठीक है, S21 I1 में, ठीक है। उसके बाद है आपका S22 V2, S22 का आपका क्या है, ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका पैरेलल में लग जाएगा, क्योंकि वो एडमिटेंस है, एडमिटेंस क्या होता है, इम्पीडेंस का उल्टा होता है, तो आपने उसको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसका मैंने आगे एक एग्जाम्पल भी दिखाया है, ठीक, को हम ABCD पैरामीटर भी कहते हैं, और इसमें इसको हम ट्रांसमिशन पैरामीटर भी कहते हैं, इसीलिए इसको TV पैरामीटर भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल पैरामीटर है जो ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ होता है, तो सबसे आप लास्ट वाला पोर्शन पढ़ेंगे आपने NFTL का, वो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो बिकॉज दे एक्सप्रेस सेंडिंग एंड वेरिएबल्स V1 and I1 इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग एंड वेरिएबल्स, ठीक है, तो इसको ट्रांसमिशन पैरामीटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इनपुट पे आउटपुट करंट भी है और आउटपुट पे इनपुट वोल्टेज भी है, तो इनपुट और इसमें हमें हमेशा एंड वेरिएबल्स को एक दूसरे से मिक्स कर दे रहे हैं, तो इसको मिक्स वेरिएबल भी बोल सकते हैं, ट्रांसमिट कर रहा है इनपुट से आउटपुट की तरफ, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी ये आपको दिखाया गया है इसके अंदर V1 = इसमें ABCD पैरामीटर का है, तो जैसे Z1 Z Z Z Z चारों तरफ लिखते थे Y Y Y, इसमें लिखेंगे ABCD A11 12 21 22, ये आपका पैरामीटर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपका हो जाएगा V1 I1
वी टू आई टू, ठीक है, लेकिन यहाँ विद माइनस साइन आएगा ये इधर, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे क्या कर रहे थे, करंट को क्या कर देते, कर दे रहे थे ओपन कर दे रहे थे दोनों पोर्ट्स को, और वाई में क्या किया था, दोनों को शॉर्ट कर दिया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमेशा हम जो करेंगे बच्चे वो लेफ्ट वाले को, वो सॉरी राइट वाले को करेंगे शॉर्ट हमेशा सब सारे पैरामीटर्स में। तो इसमें वी टू को तो आप क्या करोगे, शॉर्ट करोगे, क्योंकि वोल्टेज को हम शॉर्ट करते हैं और करंट को हम ओपन करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी यही किया, यहाँ पे वी टू को जीरो, आई टू को जीरो, देख भी लेना। जेड पैरामीटर में हमने करंट थी आई वन आई टू राइट हैंड साइड पे, तो हमने क्या किया था, उसको ओपन किया था करंट को। सेकंड वाले में क्या किया था, वोल्टेज को शॉर्ट किया था। अब इसमें वोल्टेज और करंट दोनों हैं, तो वोल्टेज वाले को तो शॉर्ट कर दो और करंट वाले को ओपन कर दो, ठीक है, दैट्स इट। तो ये इसका पैरामीटर हो गया। अभी जैसे मैंने आपको समझाया, इतना मुझे पता है कि आप इसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है। और इसकी जो वैल्यू होती है, ए डी बराबर हमेशा बी सी के होता है इसके अंदर ट्रांसमिशन पैरामीटर में, क्योंकि आपका ये ट्रांसमिशन पैरामीटर पर इम्पीडेंस मैचिंग प्रॉपर होगी तभी तो आपका सिग्नल इनपुट से आउटपुट एंड पे जाएगा। अगर वो नहीं होगी, और अगर वो है तो जैसा आप इनपुट पर भेज रहे हो रिवर्स में आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। इसको रेसिप्रोकल पैरामीटर भी बोलते हैं, ट्रांसमिट पैरामीटर भी बोलते हैं। इसमें इसलिए ए डी बराबर बी सी कहा है, ठीक है, ए डी बराबर डायगनली जो है ए डी बराबर आपको बी सी के कहा गया है। ये इसका एक इक्वेशन है, इसको याद रखना है आपको, ठीक है, टेक्निकल है ये बिल्कुल। ये आपका एक क्वेश्चन है इसके अंदर, जिसमें 20 ओम का रेजिस्टेंस, 4 ओम और 10 ओम, ठीक है, आप इसको कीजिएगा ज़रूर बच्चों, ठीक है। नहीं समझ आएगा आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा। इसके अंदर आप क्या करेंगे, पहले देखिए इस एंड पे क्या आ रहा है, इसका वी टू और आई टू जीरो आ रहा है, तो आपको वी टू और आई टू को ज़ीरो करना। तो देखिएगा यहाँ पे एक बार तो आप आई टू को क्या कीजिए, ओपन कर दीजिए, ठीक है, आई टू को ज़ीरो कर दिया। जब आप आई टू को ज़ीरो कर दोगे तो यहाँ तो कुछ फ्लो नहीं करेगा, तो ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा 2 ओम और 10 ओम में। इस वाले में आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी इस वाले में, क्योंकि आप आई टू को ओपन कर दिया, ठीक है। तो देखिएगा ये ऐसा बनेगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे सर्किट को, ठीक है। उसके बाद दूसरे में चलो तो आप वी टू को ज़ीरो करेंगे, ये देखिएगा इसको वी टू को ज़ीरो करेंगे यानी शॉर्ट करेंगे। तो जब आप वी टू को शॉर्ट करोगे इस वाली इक्वेशन में, वी टू को शॉर्ट करोगे तो पूरा सर्किट आ जाएगा, ठीक है, आ रही मेरी बात समझ, तो पूरा सर्किट आ जाएगा और आप इसको सॉल्व कर देंगे। समझ आ रही है मेरे बच्चों बात, दैट्स इट। एक बार इसको सॉल्व कर दें, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू बच्चों। कुछ ना समझ अगर आपको आया हो तो आप पूछ लेंगे, और थोड़ा सा घर में फंक्शन है, मेरा ब्रदर की शादी है, तो वीडियो आपकी कल भी आएंगी परसों आएंगी, लाइव क्लासेस के लिए मैं एक्सक्यूज़ बता रही हूँ, वो मैं 1st of May से आप जब कहेंगे तो मैं आपको समझा दूँगी, ठीक है। सिर्फ शुक्रवार तक आई एम बिज़ी ओनली, ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच बच्चों।